आईटी रेड में मिल गई आजम खान की एक और बेटी। खुद आजम बोले, मेरी इस बच्ची पर छापा डालकर सरकार ने अच्छा नहीं किया। उसने जो मेरी सेवा की वो मेरी चार बेटियां मिलकर नहीं कर पाती। खुद आजम ने उठाया अपनी इस बेटी के राज से पर्दा। गाजियाबाद में रहती है, बीमारी से लेकर जेल जाने तक के दौरान आजम का दिया पूरा साथ। अब ईडी और आईटी कर रही परेशान। देखिए कौन है ये आजम खान की बेटी, जिससे अब तक हर कोई था अनजान। यूपी में आयकर विभाग की टीम ने पिछले दिनों 3 दिन तक आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। आजम के यहाँ छापेमारी के बाद अब इनकम टैक्स की टीम ने उनकी बेटी के घर पर भी छापा डाल दिया है। जैसे ही आजम को ये खबर लगी, वो आग बबूला हो गए। बोले, ये तो हद है, मेरे परिवार के अलावा अब मेरे बुरे वक्त के मददगारों पर भी सरकार निशाना साध रही है। हालांकि जैसे ही गाजियाबाद में आईटी का छापा पड़ा तो लोग पूछने लगे कि आखिर जिसे आजम अपनी बेटी बता रहे हैं वो है कौन, क्योंकि उसका नाम इससे पहले किसी ने सुना नहीं था। चलिए आपको पहले आजम की इस बेटी के बारे में बताते हैं और फिर बताएंगे कि उनके यहाँ छापे में क्या कुछ मिला है। दरअसल आजम खान की ये मुंह बोली बेटी है एकता कौशिक। गाजियाबाद की रहने वाली एकता आजम खान के परिवार की काफी करीबी है। एकता कौशिक पूर्व जीडीए अवर अभियंता पारितोष शर्मा की बहू है। एकता कौशिक आजम खान के छोटे बेटे अदीप की दोस्त है। दोनों की मुलाकात नोएडा की फिल्म सिटी में हुई थी। एनबीटी के अनुसार एकता और अदीप ने साथ साथ पढ़ाई की है। एकता मारवा स्टूडियो में ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करने आई थी। यहाँ उन्होंने मॉडलिंग का भी कोर्स किया था। यहीं पर एकता कौशिक और अदीप की मुलाकात हुई। बाद में ये मुलाकात दोस्ती में बदल गई। इसी के बाद से दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध रहे। अदीप से दोस्ती की वजह से एकता का आजम खान के घर पर आना जाना शुरू हुआ। परिवार से अच्छे संबंध होने के कारण आजम ने उन्हें अपनी मुंह बोली बेटी बताया है। आजम जब जेल में थे तब भी एकता उनसे मिलने के लिए वहां गई थी। आयकर की टीम ने एकता के यहाँ छापेमारी की। आयकर ने यहाँ 4 दिनों तक रेड मारी। एकता कौशिक के यहाँ हुई आयकर की छापेमारी को लेकर आजम ने सरकार पर निशाना साधा है। गाजियाबाद के गोविंदपुरम के शताब्दीपुरम में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे आजम खान ने कहा, डरा हुआ लोकतंत्र गुलामी से भी बुरा है। देश में ये पहली बार हो रहा है कि शैक्षिक संस्थानों पर सरकार छापेमारी कर रही है। जब उनके यहाँ आयकर विभाग की छापेमारी हुई तब भी लोगों का यही कहना था कि फकीर के यहाँ क्या मिलेगा। आजम खान की माने तो आईटी की छापेमारी में उनके छोटे बेटे के पास 9,000, बड़े बेटे के पास 2,000 और उनके पास 3,500 रुपए बरामद हुए और पत्नी के पास 100 ग्राम के जेवर मिले हैं। एकता कौशिक के यहाँ हुई छापेमारी पर उन्होंने कहा, जब उनकी पत्नी बीमार थी तो उसने एक बेटी से भी बढ़कर उनकी सेवा की, लेकिन मौजूदा हालात में सरकार सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। आजम ने बताया कि उनकी कोई बेटी नहीं है। जिस तरह से एकता ने अस्पताल में भर्ती उनकी बीबी की सेवा की थी, अगर उनकी चार बेटियां भी होती तो वो वैसी सेवा नहीं दे पाती। आजम ने कहा कि मिशनरी संस्थान पर करोड़ों रुपए निकाल दिए गए हैं। उन्होंने खुद पर दर्ज किए गए मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के मामले पर भी सरकार से सवाल पूछा। इंडिया गठबंधन को लेकर आजम खान ने कहा कि ये नौजवानों को नई दिशा देगा और देश को कुशल नेतृत्व प्रदान करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।